और मालदीव को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने भारत से कहा है कि वो उनके देश में तैनात अपने सैन्य कर्मियों को 15 मार्च तक हटा ले। रिपोर्ट में राष्ट्रपति कार्यालय में सार्वजनिक नीति सचिव अब्दुल्ला नासिम इब्राहिम के हवाले से ये बात बताई गई है। इस खबर के आधार पर सवाल उठ रहा है कि क्या मालदीव ने हालिया विवाद की वजह से ये कदम उठाया है या फिर पूरी कहानी कुछ और है। चलिए आपको इस मामले के हर पहलू से रूबरू करा देते हैं, साथ ही इस सवाल को भी टटोलेंगे कि क्या मालदीव चीन के हाथों में खेल रहा है। बताया जा रहा है कि मालदीव और भारत ने सैनिकों की वापसी पर बातचीत के लिए एक उच्च स्तरीय कोर समूह का गठन किया है। इस समूह ने रविवार सुबह माले स्थित विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में बैठक भी की। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैठक में भारतीय उच्चायुक्त मनु महावर भी शामिल थे। नाजिम ने बैठक की पुष्टि की और कहा कि बैठक का एजेंडा 15 मार्च तक सैनिकों को वापस बुलाने का अनुरोध करना था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मालदीव में 80 से ज्यादा भारतीय सैन्य कर्मी है। यहाँ बड़ी बात यह है कि पिछले साल 17 नवंबर को ही मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद मोइजू ने औपचारिक रूप से भारत से भारतीय सैन्य कर्मियों को मालदीव से वापस बुलाने का अनुरोध किया था। उन्होंने ये भी कहा कि मालदीव के लोगों ने उन्हें भारत से ये अनुरोध करने के लिए मजबूत जनादेश दिया है। बताया जा रहा है कि मालदीव भारत के साथ 100 से ज्यादा द्विपक्षीय समझौतों की भी समीक्षा कर रहा है। हालांकि अब सैनिकों की वापसी की समय सीमा तय करने से जुड़ी जो खबर आई है वो एक हालिया विवाद पैदा होने के बाद आई है। चलिए आपको जल्दी से इस विवाद के बारे में भी बता देते हैं। पिछले दिनों भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया था। इसके बाद जब उन्होंने लक्षद्वीप की कुछ तस्वीरों और वीडियो को पोस्ट किया तो इसे लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई। इसी चर्चा में कुछ लोग लक्षद्वीप की तारीफ करने लगे, कुछ यहां पर्यटन के लिए जाने की इच्छा जताने लगे, कुछ यहां के पर्यटन को और विकसित करने की बात कहने लगे। इस बीच ऐसी राय भी सामने आने लगी जिनमें मालदीव के बजाय लक्षद्वीप जाने के विकल्प का जिक्र था। इस सब के बीच मालदीव से भारत विरोधी और मजाक बनाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट आने शुरू हो गए, यहाँ तक कि वहाँ के मंत्री भी ऐसा करने लगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां भी की गईं। इसके बाद सोशल मीडिया पर भारतीयों का गुस्सा दिखने लगा। लोग मालदीव के पर्यटन का बहिष्कार करने की बात करने लगे। जब भारत में मालदीव के खिलाफ माहौल बनने लगा तो दबाव में मालदीव सरकार को इस पर कदम उठाना पड़ा। उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी करने वाले 3 मंत्रियों मालशा शरीफ, मरियम शिवना और अब्दुल्ला महजूम माजिद को निलंबित कर दिया। सरकार ने इन मंत्रियों की टिप्पणियों से किनारा करते हुए कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है और वो सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। उधर चीन के अपने हालिया दौरे के वक्त मोइजू ने मालदीव को चीन के करीब लाने की कोशिश की। चीन से लौटने के बाद मोइजू ने ऐसा बयान दिया जिसे परोक्ष रूप से भारत पर हमला माना जा रहा है। उन्होंने कहा, हम छोटे हो सकते हैं लेकिन इससे आपको हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। उन्होंने भारत पर देश की निर्भरता को कम करने की योजनाओं की भी घोषणा की, जिसमें अन्य देशों से जरूरी खाद्य वस्तुओं, दवाओं और उपभोग की अन्य सामग्रियों का आयात सुनिश्चित करना शामिल है। उन्होंने कहा, हम एक स्वतंत्र और संप्रभु देश हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी देश को अन्य देश के घरेलू मामलों को प्रभावित करने का अधिकार नहीं है, चाहे उसका आकार कुछ भी हो। ऐसे में इस बात पर निगाहें बनी हुई हैं कि भारत और मालदीव के रिश्ते अब किस दिशा में जाएंगे।